सबसे आगे। नेक्स्ट वॉइस। मैं डेडिकेट अपने पापा को कर रहा था क्योंकि वो रफी साहब को बहुत पसंद करते हैं और उनका सपना था कि मैं लिल चैंप से आऊं। एनी गेसेस? हाँ जी, गुरु अदनान की। ये बड़ी अनमोल सी आवाज है। ये आपका जवाब था या जवाब के पहले वाला सेंटेंस था? अकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता जय। नहीं, मैं तो समझ गया, मैं बाकियों के लिए बोल रहा हूं। नहीं, वो भी बहुत अकलमंद है। Are you sure, Adnan, it's अनमोल? महागुरु आप गेस। मेरे ख्याल में चेंज भी करना हो तो कर सकते हैं। ओके, मैं रेडी करता हूँ गाना गाने की। अनमोल है? नहीं नहीं, अनमोल है, अनमोल है, मेरे ख्याल में अनमोल है। आपके ख्याल में? आप श्योर नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, अनमोल है। लॉक किया जाए? आप लोग प्लीज घर जाइए, अनमोल है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये है छोरा गंगा किनारे वाला कैलाश के अवधू में से अनमोल खत्री। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां अनमोल के लिए। और इससे पहले कि अनमोल अपना गीत शुरू करे, मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूं एक और खास गेस्ट म्यूजिशियन को, जो आज अनमोल और बैंड अवधू का साथ देंगे। तो स्वागत कीजिए हिंदुस्तान के जाने माने अकॉर्डियन प्लेयर का, सूरज साठे का। जोरदार तालियां। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे। धन्यवाद। और आप अनमोल की परफॉर्मेंस पे साथ दीजिएगा। हाँ, जरूर जरूर दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, प्लीज टेक इट। अनमोल, पूरे भारत में तुम्हारे नाम का जिक्र होता है इन दिनों, बस उसको और तरक्की की तरफ बढ़ाना, ऐसा गा देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Da 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 da
मैं सुराज साठे जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ. ये हमारे बहुत ही सीनियर वेटरन और बहुत ही वेल नोन म्यूजिशियन हैं, बहुत ही सीनियर म्यूजिशियन हैं. ये अकॉर्डियन एक इंस्ट्रूमेंट, आज ये सुनकर इतना मेरा मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि ये एक ऐसा निराला इंस्ट्रूमेंट है जो पहले इसका बहुत पियानो अकॉर्डियन का बहुत यूज़ किया जाता था गानों में, बल्कि मुझे लगता है राज कपूर जी की फिल्मों में ख़ास तौर से उन्हें बहुत पसंद था ये इसकी साउंड जो थी. और सुराज जी लता दीदी के हमारे वो फेवरेट म्यूजिशियन हैं, वो उनके साथ हमेशा लगातार बजाते आए हैं. wow, okay. और सारे टॉप मोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर्स के साथ काम कर चुके हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद सुराज जी, आप आए यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद. और चार चांद लगा दिए आपने आज हमारे मंच पे, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू महागुरु. सुराज सर, आपने खुद बीच में अकॉर्डियन प्ले करना बंद कर दिया था. नहीं, बंद तो नहीं किया था मैंने, उल्टा मैं ये कहूँगा कि मैं बाकी लोगों ने बंद कर दिया, बाकी सब लोग कीबोर्ड पे आ गए. मैं कीबोर्ड तो बजाता ही हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अकॉर्डियन जारी रखा हुआ है. वो लोग जो जानते हैं कि रीड्स, इसमें रीड की तीन लाइन है मेरे ये अकॉर्डियन में, तो इसलिए कुछ ये 17 किलो का है, तो चार लाइन का अगर अकॉर्डियन लेंगे तो उसका वजन और बढ़ जाता है, तो वो इससे और भारी हो जाता है. और इसलिए अभी आजकल जितने लोग कीबोर्ड बजाते हैं वो ये सोचते हैं कौन उठाएगा इतना बोझ, कौन उठाएगा, किस लिए वो अकॉर्डियन बजाना सब लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन मैंने अभी तक चालू रखा हुआ है और मैं बंद नहीं करूंगा. थैंक यू सुराज सर. सुराज सर, आपने हमारे लिए इतना अच्छा बजाया, मेरे लिए जो आपके दर में रही. So sweet. गुरु को पूछते हैं. ओके गुरु अदनान. अनमोल बच्चे, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस. आप रूह से गाते हो, दिल से गाते हो, और इस गाने को भी आपने उसी तरह से गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बेहद अच्छा लगा, बहुत बढ़िया. थैंक यू सर. इसने गाना गाया है दिल तो बच्चा है जी, और मैं कहता हूं कि ये तो दिल है जी. थैंक यू सर. थैंक यू गुरु कैलाश. दिल तो बच्चा है जी, अनमोल बहुत अच्छा है जी, और बहुत सच्चा है जी. अब बारी है आपके रिजल्ट की. तो जनता से आए हुए रिपोर्ट कार्ड में यह लिखा है कि आप पास हुए हैं. अनमोल, कांग्रेचुलेशंस. चलो सबसे आगे.